हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। टंडन किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको उत्पम की रेसिपी बताने जा रही हूँ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के सब्सक्राइब पर क्लिक करें ताकि अगली आने वाली रेसिपी की जानकारी आपको मिल सके। जिन्होंने हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दिया है उनको अभी सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। उत्पम बनाने के लिए हमने जो सामग्री ली है वह एक बाउल रवा, एक बाउल दही मठा, एक बाउल शिमला मिर्ची, एक बाउल टमाटर, एक बाउल प्याज। ये हमने सब्जियां सब बारीक बारीक काट ली हैं। टमाटर स्वास, आवश्यकता अनुसार अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच, हरी मिर्ची आवश्यकता अनुसार, कसूरी मेथी एक चम्मच, अनारदाना एक चम्मच, चिली पाउडर आधा चम्मच, नमक आवश्यकता अनुसार और ऑयल। सबसे पहले हम दही के मठे में रवे को घोल बनाएंगे। ये हमने बाउल लिया है, इसमें हम रवे का घोल बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा मठा डालते जाएंगे और घोल बनाते जाएंगे। इसमें गुठलियां नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट बनना चाहिए। ये हमारा घोल हो गया है। अब हम इसको 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट घोल को रखे हो गए हैं। अब इसमें हम सारे मसाले और सारी सब्जियां मिक्स कर लेंगे, केवल टमाटर सॉस को छोड़ देंगे। कसूरी मेथी हम थोड़ी सी डालेंगे, इसमें थोड़ी रख लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये घोल हमारा थोड़ा पतला बनेगा इसका। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और थोड़ा फेंट लिया है। इसको थोड़ा हम पतला करेंगे, ये थोड़ा गाढ़ा है, इसमें मठा और मिलाएंगे थोड़ा सा और पतला करेंगे। ये हमारा घोल तैयार हो गया है। ये थोड़ा पतला ही रखा है हमने। अब इसको हम तवे पे बनाएंगे। गैस पर हमने तवा रखा है, गैस को ऑन करेंगे और गैस सिम पर रखेंगे। तवे पर हम ऑयल थोड़ा सा डालेंगे और चारों तरफ से इसको तेल को तवे पे लगाएंगे। हमारा जो ये घोल तैयार किया है वह हम इस पे तवे पे डालेंगे। घोल को हमने तवे पर फैला दिया है। अब इसको सिकने देंगे सिम गैस पर। एक तरफ हमारा सिक जाएगा तब हम इसको दूसरी तरफ के लिए पलटेंगे। दोनों तरफ से हमें सेकना है। एक साइड हमारा सिक गया है, अब हम इसको पलटेंगे। दूसरी साइड हम
इससे कुछ हल्का सेकेंगे और हल्का सा ऑयल डालेंगे। दूसरी साइड भी हमारा सिक गया है, 3 से 4 मिनट हो गए हमें सेकते हुए। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। उत्पम हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब हम कसूरी मेथी से गार्निश करेंगे इसको हल्का सा, और स्वाद के साथ खाने के लिए तैयार है। यदि आपको उत्पम बनाने का तरीका पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।